नमस्कार प्रणाम, रेडियो सिटी 91.1 एफएम से मैं हूँ आरजी बरखा और सिटी के शेफ में आज चलते हैं नीतू नवगीत जी के किचन में और उनसे बनाना सीखते हैं ठेकुआ कैसे बनाए। जी हाँ, ठेकुआ जिसे कि जब भी बच्चे हॉस्टल्स वगैरह जा रहे होते तो मम्मा पैक करके दे देती बेटा खा लेना, और प्रसाद में भी ठेकुआ का बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो चलिए नीतू नवगीत जी से सीखते हैं ठेकुआ कैसे बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो सिटी एट आरजे बरखा सिटी के सेफ कार्यक्रम में मैं नीतू नवगीत आज बिहार का अत्यंत पारंपरिक पकवान ठेकुआ बनाने वाली हूँ। दोस्तों, ठेकुआ को हमारे यहाँ खमौनी या खबौनी भी कहा जाता है। हमारे यहाँ जब भी कोई तीज त्योहार होता है हम लोग ठेकुआ बनाते हैं, चाहे तीज का व्रत हो, ज्योतिया का व्रत हो या हमारा बहुत बड़ा महापर्व छठ की बात हो। तो जब भी शुद्ध घी में ठेकुआ हम पकाते हैं उसकी भीनी भीनी खुशबू फैलती है तो ऐसे ही वातावरण एकदम से सुगंधित हो जाता है। तो दोस्तों चलिए आज हम बनाते हैं ठेकुआ। तो ठेकुआ बनाने के लिए हम लेंगे सबसे पहले आटा। आटा मैंने 3 कप लिए हैं और आटा के साथ ही मैं गुड़ ली हूँ, ऐसे जो ढेला वाला जो गुड़ होता है वो मैं 3 ली हूँ, क्योंकि 3 कप मैं आटा ली हूँ तो 3 ढेली गुड़ की ली हूँ। उसे मैं चूर करके 1/2 कप पानी में ऐसे मेल्ट कर दी हूँ और इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा सौंफ, किशमिश, ये घी है, नारियल का बुरादा मैं ली हूँ और थोड़ा सा गरी काटकर। तो चलिए दोस्तों हम बनाते हैं ठेकुआ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 3 कप आटा लिया है, आप चाहे तो थोड़ा मैदा भी ले सकते हैं, थोड़ी सी सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये भगवान के भोग के लिए बना रही हूँ, प्रसाद के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ आटा लिया है। तो आटा में हम थोड़ा थोड़ा ये जो गुड़ हमने मेल्ट किया है वो थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका आटा लगाएंगे। अब डालेंगे घी, डालेंगे थोड़ी 2 चम्मच घी। सौंफ मैं थोड़ी सी लूंगी क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा लोग सौंफ पसंद नहीं करते। थोड़ी सी किशमिश, थोड़ा सा गरी, नारियल का बुरादा, थोड़ा सा, आप चाहें तो इसमें कुछ भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि प्रसाद के लिए बना रही हूँ तो मैं जैसे भोग लगाती हूँ भगवान को तो जिन चीजों का इस्तेमाल करती हूँ आज मैं उन्हीं चीजों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से हम इसके आटा लगाएंगे। तो लीजिए ये हमारा आटा लग गया। अब हम इस आटे की छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। ये देखिए बहुत थोड़ा टाइम लगा आटा लगाने में, लेकिन देखिए ये कितना सॉफ्टली आटा लग गया है और कितना बढ़िया गोला हो रहा है। आप इसके कुछ भी आकार बना सकते हैं, यहाँ मैं लंबे शेप में ली हूं, ये देखिए। अब अगला वाला मैं गोल गोल बनाऊंगी इस तरह से। आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करें, बड़ा मजा आता है बनाने में। और इस तरह से मैं कुछ और भी बनाऊंगी 2-4, और उसके बाद ये हमारा ठेकुआ करने का सांचा है। हम इसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे। देखिए ये गोल वाला है, ये लंबा वाला है, तो लंबे वाले को मैं लंबे वाले के शेप में डालूंगी और गोल वाले को मैं गोल वाले के शेप में डालूंगी, लेकिन ऐसे आप लगाएंगे तो ये उखड़ते समय थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा घी इसमें हम लोग लगा लेंगे सांचे में इस तरह से। समय लगाने की जरूरत नहीं है, 1-2 काफी है, बस हल्का हल्का, ताकि इसे उखाड़ते समय ये बहुत स्मूथली उखड़ जाए। चलिए हम पहले इतना गलना शुरू करते हैं। ये देखिए इसको एक बार में आपको प्रेस करना है ऐसे। आप देखिए हम इसे उखाड़ लेंगे, ये देखिए कितना सुंदर सा डिजाइन बन गया। और थोड़ा मोटा ही होना है तभी ये बिल्कुल खस्ता होगा, अब बहुत ज्यादा पतला कर देंगे तो ये खस्ता नहीं रह जाएगा। इस तरह से हम अपने सारे
ठेकवे को इस सांचे में डालकर गढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमने ठेकवा गढ़ भी लिया, अब हम इसे धीमी आंच पर तलेंगे। तो इसे तलने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई गर्म कर लिया है पहले से ही और इसमें हमने घी डाला है। तो चलिए हम चार चार ठेकवा एक बार में डालेंगे और इसे मध्यम मध्यम पकाते जाएंगे। इसके लिए हमें बहुत तेज आंच की जरूरत नहीं है, इसलिए देखिए ये मीठी मीठी आंच ही है। देखिए ये हमारा ठेकुआ अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है, बहुत प्यारा कलर उतरा है। तो चलिए अब हम धीरे धीरे इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लें। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारा पारंपरिक पकवान ठेकुआ। दोस्तों आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और मेरे गीतों को सुनने के लिए आप मेरे पेज को भी लाइक करें। नीतू नवगीत के नाम से हमारा पेज है, मैं चाहती हूँ कि हमारे पारंपरिक गीत भी सुने ठेकुआ के साथ साथ। और आज मैं सिटी के सेफ को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वे मुझे इस पारंपरिक पकवान को बनाने के लिए अपने यहाँ आमंत्रित किए। धन्यवाद। वाओ, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। रेडियो सिटी 91.1 FM पे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और ऐसे वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते जाएं इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुनते जाएं रेडियो सिटी 91.1 FM, रग रग में दौड़े पटना।